बंदो प्रथम श्री विनायक रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वाणी माँ बिनवाऊ तुम्हें वागदान दान दो आज शिव भले करिए कृपा भक्तन के सिरताज हृदय विराजो आय कर श्री गुरु गोरक्षना तपस्थल गोरखपुर जिनकी मंदिर गोरखनाथ निवास योग्य विद्या निधि परम वेता है आचार्य गुरु गोरखनाथ जिनकी महिमा विदित है जग में गुड़ गावे सारा संसार शिष्य परंपरा से गद्दी पर है वर्तमान श्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के महंत मंदिर गोरखनाथ यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो अब आगे का सुनो हवाल गोरख के गुरु सिद्ध परम थे जिनका नाम मस्तेंद्र नाथ गोरख गुरु मस्तेंद्र नाथ के सिद्धि का अब सुनो बयान कैसे मिली थी गुरु को सिद्धि करवाऊं उसका रसपान कैसे मिली थी गुरु को सिद्धि भास्कर देव की कृपा थी मस्तेंद्र पे महान दिए मस्तेंद्र नाथ को भास्कर ने वरदान एक भास्कर देव ने कहा सुनो मस्तेंद्र नाथ जिससे संबंधित मंत्र का कर लो तप जा तुमको सब सिद्धि दे दूंगा सुन लो बर देता हूँ आज सभी साबरी मंत्र की रचना जब कर लिए मस्तेंद्र नाथ भास्कर देव की किए तपस्या द्वादश वर्षों तप का जा परम सिद्धि योगी यो बन गए भास्कर देव का था प्रताप उनके तप यो जब से खुश हो दिए पर आए भास्कर ना दुनिया में प्रसिद्धि हो गई सिद्धि योगी है मस्तेंद्र नाथ भास्कर की छाया सर रहती भास्कर की छाया सर रहती हो गए सिद्ध मस्तेंद्र नाथ बतलाऊंगा आगे अब मैं जन्म और चरित्र गोरखनाथ कैसे जन्म लिए गुरु गोरख भक्तों सुन लो ध्यान लगाए कहाँ पे जन्मे प्रगटे कैसे क्या क्या चल दिए गोरखनाथ कहाँ पे जन्मे प्रगटे कैसे एक दिन तीर्थ यात्रा को निकले मस्तेंद्र नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंच गए बंगाल भोजन भिक्षा है तू फिर गए चंद्रगिरि ग्राम अलोक जगाया विप्र घर नाम था सर्वोप दयाल भिक्षा ले ब्राह्मण की पत्नी आई था नाम सरस्वती उसका मस्तेंद्र नाथ को भिक्षा देके देखने लगी टकटकी लगाए भंगमा भाव थी उसकी नजरें कर रही थी लाचारी कहना तो चाह रही थी कुछ पर कह न सकी ओ बेचारी मस्तेंद्र नाथ तो समझ गए थे और कहने लगे उस नारी से मांगो वांछित भर पाओगी तुम डरो नहीं गम ख्वारी से ब्राह्मण ने सोचा क्या देगा ब्राह्मण ने सोचा क्या देगा खुद ही याचक है योगी स्वयं ही भिक्षा मांग रहा तब मुझको क्या देगा योगी योगी कहता मांग मांग तू
मांग ही लेती हूँ एक बार, लेती हूँ मैं मांग एक पुत्र, देखें क्या कहता रबर, लेती हूँ मैं मांग एक पुत्र। निःसंतान का दुख मुझे दे दो पुत्र का दान, देना चाहते हो श्री योगी तो दे दो यही वरदान, मुझे यही दुख योगी बाबा प्रभु एक पुत्र दिला दीजिए, योगी राज मुझ बा जिंदीला, पुत्र कलंक मिटा दीजिए, कम से कम तर्पण करने को उनका वंश चला दीजिए, बस इतनी कृपा कर गुरुवर, घर में ज्योति जला दीजिए, योगिन भस्मी देकर बोला, खीर में इसे मिला लेना, ऋतु स्नान के बाद खीर तुम प्रेम से भोग लगा लेना, साक्षात हरिया सावतार ले, साक्षात हरिया सावतार ले, प्रकट तेरे यहाँ होएंगे रिद्धियाँ सिद्धियाँ के समेत, फिर भगवान तेरे यहाँ जन्मेंगे, बारह वर्षों बाद पुनः मैं तेरे घर लौट के आऊँगा, उस बालक हरि नारायण को शिक्षा दे वापस जाऊँगा, सरस्वती भस्मी ले घर आई। बतला उनकी भी राय कुछ ले आऊं, आखिर सखियों को भस्म दिखा कर पूरा हाल बता डाला, सखियों से पूछी बताओ सखियां, हो जाए न गड़बड़ झाला, उसकी बोली एक सखी सुन, मोहनी मंत्र न हो इसमें, तुमको नुड़ाल जाए सखी सुन, हमको तो है सुबह इसमें, ऐसे योगी बहुत देखी हूँ, ऐसे योगी बहुत देखी हूँ, बहना हो गई बावली क्या, योगी पत्नियों का ठिकाना क्या, बस विष पुत्र जन्मेगा क्या, सब ढको सलाह है सखी सुनना, मेरी राय है मत खाना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, बाद बिना हो पछताना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, तभी पड़ोसन दूसरी सरस्वती यहाँ गया, सुनकर मुँह बिचका रही, कहने लगी समझाए, मुझे तो सखिए लग रहा, योगी ठगड़ा दिखा, खिला देते कितने बेहोशी औसत खिला, सब धन धान ले चल देते, जिसको ईश्वर न दे पुत्र, योगी कहाँ से दे देंगे, मूर्ख बनाकर हम सबको धन चूसेंगे और ठग लेंगे, इसलिए हमरी यदि मानो तुम, भस्मी लेकर फेंकाना, धोखे पड़ कर खा लोगी तो बड़े न तुमको पछताना, एक और सख समझा रही, एक और सख समझा रही, कितनी सीधी साधी सखियां झूठों के संगत में फंस करके सर्वस्व गवा देती, सखियां झूठों के संगत में फंस करके सर्वस्व गवा देती, सखियां झूठों के संगत में फंस करके सर्वस्व गवा देती, सखियां झूठों की संगत में फंस करके।
बिगाड़ लिया गोबर गड्ढे में जा करके। योगी भस्म बहाय दिया सखियों के बहकावे में उसने, अपना सौभाग्य बिगाड़ लिया योगी का भसना खा करके। दुर्भाग्य स्वयं ही वरण किया बन जा रहना भाग में था तो, भस्मी वह खाती क्यों कर महायोगी द्वारा दिया हुआ वह। अमोघ फल पाती क्यों कर बंध्या रहना भाग में था तो, बंध्या रहना भाग में था तो, भस्मी वह खाती क्यों कर महायोगी द्वारा दिया हुआ वह। अमोघ फल पाती क्यों कर उसका विकास धीमी गति से, गोबर गड्ढे में हो रहा था इसलिए उस गड्ढे की तरफ ना, किसी का ध्यान भी जा रहा था उसका विकास धीमी गति से। अब आगे का हाल क्या सुनो भक्त हर साल, योगी बात बार है बरस लौटे चंद्रगिरिया। योगी ने सोचा सरस्वती का पुत्र अवश्य जन्मा होगा, ग्यारह वर्षों से अधिक उम्र उस बालक का तो हुआ होगा, चंद्र ग्राम सरस्वती के घर। योगी अलख जगाया है निकली सरस्वती भिक्षा देने, अतिथि द्वार पर आया है देखा तो मस्तिंदर योगी, जो मुझको भस्मी दे गया था बारह वर्षों के बाद वही थी। योगी अलख जगाया था पुत्रोत्पत मंत्री भस्मी जो, पुत्रोत्पत मंत्री भस्मी जो खाने को मुझको दे गया था, जिसको मैं भ्रमित गाँव के बाहर गोबर गड्ढे में बहाया था, डर के कारण कांप रही थी। सोचती योगी मुझे सामने दे चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया, चाची मोन भिक्षा दे दे चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया। पर योगी भिक्षा न ले पूछा पुत्र की हाल, बोले माता चुप है क्यों मुझे दिखा। तेरी भूख जन्मा होगा क्या पुत नहीं हुआ माता जी, क्या होकर नष्ट हुआ माता, चुप्पी तोड़ो उत्तर दो तुम। बालक दिखलाओ माता जो मैंने दी थी सिद्ध भस्म, निष्फल कभी ना हो सकता वो पुत्र अवश्य जन्मा होगा, ऐसा विश्वास मेरा माता सरस्वती दर्प से ये कहती। सरस्वती डर बस ये कहती आपकी भस्मिन खाई थी।